आज इस वीडियो में हम आई ए टी एफ सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी नाइन टू थाउजेंड सिक्सटीन के बारे में बताएंगे IATF होता है हमारा इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स IATF की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका से हुई थी और जो आई ए टी एफ सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी नाइन है इसको टू थाउजेंड सिक्सटीन में लाया गया था सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वॉट इज IATF सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी नाइन आईएटीएफ सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी नाइन टू थाउजेंड सिक्सटीन इज द ग्लोबल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आई एस ओ नाइन थाउजेंड वन टू थाउजेंडीन इट इज टू बीजेक्शन जो की टू थाउजेंड फिफ्टीन में आया था इस पर बेस्ड है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए ग्लोबल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है इसको आई एस ओ नाइन थाउजेंड वन के कंजक्शन में यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है इस रूल अप्लाइज टू ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सप्लायर्स ऑफ तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सप्लायर्स के लिए यूज होता है लाइक like प्रोडक्शन और सर्विस पार्ट प्रोडक्शन मटेरियल असेंबली बेल्डिंग पेंटिंग प्लेटिंग और अदर फिनिशिंग सर्विस डायरेक्टली रिलेटिंग ऑफ ऑटोमोटिव रिलेटेड पार्ट तो जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स होते हैं उनमें चाहे इंटरनल सप्लायर हो या एक्सटर्नल सप्लायर हो उसकी जो भी सर्विस है प्रोडक्शन मटेरियल्स है असेंबलीज हीट ट्रीटिंग है वेल्डिंग पेंटिंग प्लेटिंग या फिर कोई भी अदर फिनिशिंग सर्विस है उन सब पर आई ए के रूल एप्लीकेबल होते हैं रूल फॉर यूजर्स आई ए उन सभी सप्लायर के लिए या फिर उन सभी यूजर्स के लिए यूजफुल रहेगा जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर ऐसी फर्म जो किसी से मिलती है इंटरनेशनल ऑटोमोटिव सप्लायर तो जो आई रूल है वो इंटरनेशनल ऑटोमोटिव सप्लायर्स के लिए है फर्म्स डेट सप्लाई प्रोडक्शन पार्ट्स टू ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ऐसी फर्म्स जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन पार्ट सप्लाई करती हैं कंपनीज डेट सप्लाई सर्विस पार्ट टू ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ऐसी कंपनीज जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को सर्विस प्रोवाइड करती हैं ऑर्गेनाइजेशन डेट सप्लाई प्रोडक्शन मटेरियल टू ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन मटेरियल सप्लाई करते हैं फर्म्स प्लानिंग टू इम्प्रूव दियर क्वालिटी एश्योरेंस एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम ऐसी कंपनीज जो अपने क्वालिटी और मैनेजमेंट प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए प्लानिंग करती हैं कंपनीज डेट सप्लाई हीट ट्रीटिंग पेंटिंग प्लेटिंग और अदर फिनिशिंग सर्विसेज टू ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर और ऐसी कंपनीज जो मैन्युफैक्चरर को हीट ट्रीटिंग पेंटिंग प्लेटिंग या फिर किसी भी तरीके की जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं उन पर यह रूल एप्लीकेबल होता है सब कॉन्ट्रेक्टर्स डेट डिजाइन प्रोडक्ट्स फॉर ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चर एंड सप्लायर्स डेट सर्विस ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चर तो यह रूल उन कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी लागू होता है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं फर्म्स विशिंग टू डू फ्यूचर बिजनेस विद ऑटोमोबाइल मैनुफेक्चर या फिर ऐसी कंपनीज जो फ्यूचर में ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चर से बिजनेस करने का प्लान करती हैं सप्लायर्स सीकिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस यानी कि ऐसे सप्लायर जो मार्केट प्लेस में कॉम्पिटिशन द्वारा एडवांटेज की तलाश करते हैं उन पर भी ये रूल लागू होता है कंपनीज डिजायरिंग टू मेक कस्टमर स्पेसिफिकेशन इन टॉप प्रियोरिटी तो ऐसी कंपनीज जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को टॉप प्रियोरिटी पर रखना चाहती हैं सप्लायर्स सीकिंग टू मीट द कस्टमर आईएटीएफ सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी नाइन रजिस्ट्रेशन मैडेट्स तो जो सप्लायर्स के लिए जितने भी आई ए टी एफ सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी नाइन के रजिस्ट्रेशन के टाइम के जितने भी मैंडेट्स होते हैं आदेश होते हैं वो कस्टमर के लिए पूरे करने होते हैं एनी अदर फर्म्स इंटरेस्टेड इन बिकमिंग रजिस्टर्ड टू आई ए सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी नाइन या फिर वह सारी कंपनीज या फर्म जो आई ए टी एफ सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी नाइन में अपना इंटरेस्ट रखती हैं नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स आर फॉलोड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन बिफोर रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या रूल फॉलो करने पड़ते हैं फर्स्ट है हमारा टू बी इंप्लीमेंट आर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम दैट फुलफिल बोथ आई एस ओ नाइन थाउजेंड वन टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड आई ए टी एफ सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी नाइन रिक्वायरमेंट्स तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको लागू करने से पहले जितने भी आई एसओ और आईएटीएफ सिक्सटीन थाउजेंड के रूल्स होते हैं जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फुलफिल किया जाना चाहिए टू क्वालिफाई फॉर रजिस्ट्रेशन द ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर डेट ऑल रिक्वायरमेंट फ्रॉम दियर कस्टमर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड इम्प्लीमेंटेड ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आईएटीएफ सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी नाइन में रजिस्ट्रेशन के लिए तभी क्वालिफाई किया जाएगा जब उनके कस्टमर यह इंश्योर कर लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की सारी रूल्स को फॉलो कर रहा है और उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है द फैसिलिटीज ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट बी इन ऑपरेशन फॉर अ मिनिमम ऑफ ट्वेल्व मंथ आई ए टी फिफ्थ एडिशन सेक्शन सिक्स तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो फैसिलिटीज हैं वो एटलीस्ट ट्वेल्व मंथ तक चालू रखनी चाहिए ठीक है यानी कि जो उसकी वैलिडिटी है वो वन इयर्स के लिए है और ऐसा आई रूल के फिफ्थ एडिशन के सेक्शन 6.5.1 में कहा गया है ऐसा इसलिए करना होता है ताकि इम्प्लॉयज इसके सिस्टम से फेमिलर हो जाएं और ऑडिटर्स के लिए डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जा सके ताकि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए द रजिस्ट्रार्स जॉब इज टू वेरीफाई वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हैज बीन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड कन्फर्म्स आई एटीएफ सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी नाइन नीकेबल रिक्वायरमेंट तो किसी भी ऑर्गेइजेशन के लिए रजिस्ट्रेशन से पहले रजिस्ट्रार के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनानी चाहिए या फिर अच्छी जान पहचान करनी चाहिए क्योंकि रजिस्ट्रार का, का काम यह वेरीफाई करना है की कि क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर इम्प्लीमेंट है या नहीं और जितनी भी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सभी आई ए टी एफ सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी नाइन के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं या उनको उनके बनाए हुए रूल्स को फॉलो कर रही हैं या नहीं द सर्विसेज ऑफ अन एक्रेडिटेड रजिस्ट्रार हैव बीन अ फॉर्मल एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड वेन ऑल ऑफ द पेपर वर्क हैज बीन सबमिटेड द क्वालिटी सिस्टम इज ऑडिटेड इन टू स्टेजेस तो एक बार मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार की सर्विस प्राप्त होने के बाद एक फॉर्मल एप्लीकेशन को फाइल करना चाहिए और ऑल डॉक्यूमेंट को सबमिट करना चाहिए तो इसके बाद रजिस्ट्रार टीम के थ्रू दो स्टेज में ऑडिट किया जाता है तो इसमें स्टेज वन है हमारा अन असेसमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इसमें क्या किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन का असेसमेंट किया जाता है तो जो डॉक्यूमेंटेशन रेडी किया जाता है वो क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग मिनट्स मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग मिनट एक ऑडिट होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट लेवल पर किया जाता है इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे इफेक्टिव बनाया जाता है इस पर डिस्कशन किया जाता है और ये रिव्यू जो होता है आई सर्टिफाइड होता है सेकेंड डॉक्यूमेंट है हमारा इंटरनल ऑडिट रिजल्ट इंक्लूडिंग इंटरनल ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन एंड रिस्पांसिस टू इंटरनल ऑडिट फाइंडिंग्स तो जितने भी इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन और उन्हें जो भी रिस्पॉन्स दिया है इंटरनल ऑडिट से उसका रिजल्ट जो होता है वो डॉक्यूमेंट किया जाता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोसेस तो जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होता है इसको हम शॉर्ट में केपीआई भी बोलते हैं तो केपीआई क्या होता है कि यह प्रोसेस सबके लिए रिक्वायर्ड होता है और ये एक मेजरेबल या फिर मैट्रिक्स फॉर्म में होता है जो स्पेसिफिक गोल या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको कैसे प्रोग्रेस किया जाए उसके लिए यूज किया जाता है द क्वालिटी मैनुअल इंक्लूडिंग इट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस इंट्रेक्शन एंड द लिसनिंग ऑफ ऑल एप्लीकेबल कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स तो जो क्वालिटी मैनुअल होता है क्वालिटी मैनुअल में जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बताया जाता है और प्रोसेस इंट्रेक्शन को प्रेजेंट करना और सभी जो एप्लीकेबल कस्टमर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट की लिस्ट को भी इसमें शामिल किया जाता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो रजिस्ट्रार में सबमिट करने होते हैं सेकेंड स्टेज है हमारी रिकमेंडिंग कंटिन्यूएंस ऑफ द ऑडिट फ्रॉम द ऑडिटर्स तो इसमें ऑडिटर से ऑडिट को जारी रखने की सिफारिश की जाती है और ऑडिट जो होता है वो आई में दी गई जो भी गाइडलाइंस होती है उनके अकॉर्डिंग किया जाता है द ऑडिटर्स इंटरव्यूज ऑफ द इम्प्लॉयज रिव्यूज रिकॉर्ड एंड परफॉर्म डिटेल्ड इंस्पेक्शन ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर्स तो जो ऑडिटर्स होते हैं वो इम्प्लॉयज का इंटरव्यू लेते हैं और जो भी रिकॉर्ड किया गया है उसका रिव्यू करते हैं देन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और इसके जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उनका डिटेल में इंस्पेक्शन करते हैं क्योंकि ऑडिटर्स का काम यह चेक करना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सिस्टमएस के सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं द रजिस्ट्रार रिपोर्ट इट्स फाइंडिंग इन अन ऑडिट रिपोर्ट इन एनी मेजर और माइनर नॉन कंफॉर्मेटीज आर फाउंड द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शन टू द रेमेडी तो जो भी रजिस्ट्रार होता है वो एक ऑडिट रिपोर्ट को अपने फाइंडिंग्स के लिए अपने निष्कर्षों के लिए रिपोर्ट करता है अगर कोई भी छोटी या बड़ी नॉन यानी कि गैर अनुरूपता पाई जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन इसके रेमेडी के लिए करेक्टिव एक्शन निर्धारित करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं करेक्टिव एक्शन फॉर मेजर नॉन कन्फर्मिटीज मस्ट बी डिटरमाइंड विद इन ट्वेंटी डेज ऑफ द ऑडिट्स कंक्लूजन एंड करेक्टिव एक्शन फॉर माइनर नॉन कन्फर्मिटीज इंक्लूडिंग एविडेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन सिक्सटी डेज एंड रिचेक्ड एंड अप्रूव्ड बाई द रजिस्टर विद इन नाइन्टी डेज तो इसमें क्या है कि ऑडिट जब फिनिस्ड होता है ऑडिट के खत्म होने के बाद जो भी कंक्लूजन निकलते हैं उनको बीस दिन के अंदर करेक्ट करना होता है ठीक है अगर हमारा मेजर नॉन कन्फर्मिटीज है तो उसको बीस दिन के अंदर करना होगा और अगर माइनर नॉन कन्फर्मिटीज है तो उसके करेक्शन के लिए सिक्सटी डेज दिए जाते हैं जिसमें इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ एविडेंस को भी होना जरूरी है और 90 डेज के अंदर ही रजिस्ट्रार के द्वारा इसको रीचेक करके अप्रूवल दिया जाता है ईयर तो ये इंश्योर भी करना होता है कि रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद जितनी भी ऑटोमोबाइल ऑर्गेनाइजेशन है वो आई ए टी एफ सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी नाइन के सभी रूल्स को सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है या नहीं इसके लिए क्या करते हैं जो रजिस्ट्रार होते हैं वो एटलीस्ट साल में एक बार ऑन साइट जाकर वहां का निगरानी कंडक्ट करा सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें